Gerard, you are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted, you have nothing to lose, but what you have to gain. अभी आप बिना किसी रीजन के ये कैसे कह सकते हो? हैं आप तो दो चीजें करने की कोशिश कर रहे हो. एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो आप दूसरा क्या पाओगे इससे? Intruder, I have got freedom to gain. मुझे आजादी मिलेगी. As for myself, I am a poor hunted rat. मेरे को अगर कहा जाए तो मेरे तो एक जैसे कहिए ना, ऐसा हूँ जिसकी खोज ऑलरेडी वांटेड लिस्ट में हूँ. As Vincent Charles, Gerard, I am free to go places and do nothing. अगर मैं तुम्हारी पहचान ले लूँ Vincent Charles Gerard, तो मैं किसी भी जगह पे आ जा सकता हूँ. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मैं अच्छे से खा सकता हूँ, अच्छे से सो सकता हूँ, और बिना मेरे को हमेशा तैयार रहना होगा कि अरे किसी अगर कॉप की मेरे पे निगाह पड़ गई तो मेरे को मारेगा. Gerard, in most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. बहुत से और जो melodramas होते हैं उसमें ज्यादातर विलन बेवकूफ होते हैं कि वो किसी को मारने से पहले बहुत ज्यादा देर लगाते हैं, इतना कि फ्रस्ट्रेशन होने लग जाए. यू आर मच लकीर, आप तो बहुत ज्यादा लकी हो. इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग. मैं ठीक हूँ, पर मेरे पास हर चीज की एक वजह है. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड सी. अब मैं जो हूँ विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊंगा. आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, पर मुझे ये जानने की जरूरत है वो बातें कैसे करता है. नाउ आई नो दैट पुश स्टफ कम इजी. दिस इज मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग. अब मैं जानता हूँ इस तरह से काफी इजी है पोज करना. अब देखो मैं मिस्टर वी सी जेरार्ड बोल रहा हूँ. पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस. अब वो जो है जिस तरह से कहना चाहिए फोन कर रहे थे तब उन्होंने उनकी बात सुन ली थी, तो उन्होंने उन्हीं की नकल करते हुए बताया कि देखो दिस इज मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग एंड दैट्स नॉट ऑल. और यही का सब कुछ नहीं है. ही स्टैंड्स अप, गेट अप अ मिनट, नाउ टेक अ लुक एट मी. अभी इन्हें का ये सब खत्म नहीं हुआ है. अब वो खड़े हो जाते हैं. एक मिनट दो, जेरार्ड भी खड़े हो जाते हैं. नाउ अब मेरी तरफ देखो. जेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. आप तो देखने में भी इतने अच्छे नहीं हो. इंट्रूडर, नो, वेल दैट्स गोज फॉर यू टू. नहीं, पर वो तुम्हारे लिए भी बात जाती है. आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट. अगर मैं बस खाली चश्मा लगा लूं तुम्हारी तरह, बस काफी है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा. जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, और आपके कपड़े? They'll let you down if you are not careful. वो आपको जो है कहीं भी पकड़वा सकते हैं अगर आप सावधान नहीं हुए तो. Intruder, that will be all right. Yours would be fine. उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारे कपड़े मेरे बिल्कुल फिट आएंगे. Gerard, that is extremely interesting, but you seems to miss the point of my remark. ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, पर आप कहीं जो है मेरे रिमार्क के पॉइंट को भूल रहे हैं. I said you were luckier than most of the melodramatic villains. मैंने कहा था कि आप जो हैं और जो melodramatic villains होते हैं उनसे कहीं ज्यादा लकी हैं. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. ये कोई मैं आपकी intelligence के लिए एक वो नहीं दे रहा था, respect नहीं कर रहा था. आप मुझे नहीं मार सकते एक अच्छे reason के लिए. Intruder, so that's what you think. ये ऐसा तुम सोचते हो. Gerard, you will let me go and thank God you didn't shoot sooner. तुम मुझे जाने दोगे और भगवान को धन्यवाद दोगे कि अच्छा हुआ तुमने मेरे को गोली नहीं मारी. Intruder, come on. What's on your mind? Better be quick. चलो बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी बताओ. This conversation bores me. इस बातों से मेरे को बड़ी बोरियत हो रही है. Gerard, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. आपने ये सोच रखा है कि आप जो है पुलिस को धोखा दे दोगे मेरे को मार के और मेरी पहचान ले लोगे. Gerard, but are you sure it's going to help you? आपको पूरा यकीन है इससे आपको काफी मदद मिलेगी? Intruder, now listen here. I have got this all planned. अब मेरी बात सुनो, मैंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है. I did a job in town. मैं शहर में जॉब करता था. Things went wrong and I killed a cop. चीजें गलत हो गई और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया. Since then I have nothing but dodge. तब से मेरे पास और कुछ नहीं है, बस छिपता फिर रहा हूँ. Gerard, and this is where dodging has brought you. यही आपको यहाँ पर लेकर आ गया है. Intruder, it brought me to Aylesbury. That's where I saw you in the car. मैं Aylesbury में आया था. वहाँ मैंने तुमको पहली बार कार में देखा. Two other people saw you and started to talk. दो और लोगों ने भी तुम्हें देखा और वो बातें करने लग गए. I listened. मैंने ध्यान से सुनी. It looks like you are a bit queer, kind of a mystery man.
वो तुम्हारे बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक जिज्ञासा होती है ना, तुम एक रहस्यमय आदमी की तरह बातें हो रही थी। जिराड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। रहस्यमय, आप मुझे बताएंगे, मैं पसंद करेंगे कि मैं आपको समझाऊं। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, योर फोन, योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। तुम जो हो ज्यादातर फोन पर ऑर्डर देते हो या कभी एकदम से बाहर चले जाते हो और फिर एकदम से अंदर आ जाते हो। Those are just the things I want to do. बस यही सब चीजें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ। Hearing about you was one of my luckiest breaks. तुम्हारे बारे में जब मैंने उससे सुना तो उस दिन कह लो कि मेरा दिन सबसे अच्छा था। Gerard, apparently you have been the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. आप अगर देखा जाए तो आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि आप मेरे से ये बात पूछ सको कि मैं इस तरह के रहस्यमय जीवन को क्यों बिता रहा हूँ। Intruder, preparing to shoot. As I said before, this conversation bores me. अब वो बिल्कुल गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब बोलते हैं कि देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस तरह की बातें बहुत बोर करती हैं। Gerard, don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. उन्होंने कहा, तुम जो हो ज्यादा बेवकूफ मत करो, अगर तुमने गोली चला दी तो पक्का फांसी चढ़ जाओगे। If not as yourself, then as Vincent Charles Gerard. अगर तुम खुद की तरह से नीचे लटके तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की तरह लटक जाओगे। Intruder, what is this? ये क्या है? Gerard, this is your big surprise. ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। I said you wouldn't kill me and I was right. मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं बिल्कुल सही था। Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see trades people. तुम्हें क्या लगता है, क्या सोचते हो कि मैं आज यहाँ हूँ, कल चला गया, कभी किसी बाहर वाले लोगों से या बिजनेसमैन से मिलता नहीं? You say my habits would suit you. तुम कहते हो तुम्हारी habits जो हैं मुझे suit कर रही हैं। You are a crook. तुम जो हो एक तरह से ठग हो। Do you think I am a Sunday school teacher? तुम क्या सोचते हो मैं किसी स्कूल टीचर हूँ जो संडे को पढ़ाता हूँ? The game's up as far as I am concerned. खेल खत्म हो चुका है जहाँ तक मेरी बात है। Things went wrong with me. मेरे साथ भी चीजें गलत हुई थी। I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. ये जो गोली और उन सब की बातें हैं, ये मेरे साथ जो है जा चुकी है। एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेरे किसी एक आदमी को पकड़ लिया और उन चीजों को उन्होंने पा लिया जो कि उस बेवकूफ को जला देनी चाहिए थी। Tonight I am expecting trouble. और आज मुझे उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। My bags packed ready to clear off. There it is. मेरे बैग वैग सब तैयार हैं जाने के लिए और बस यही है जो कुछ है। Intruder, it's a bag all right and this is a gun all right. What's all this? ठीक है, ये बैग है और ये गन है, और ये सब क्या है? Gerard, that's a disguise outfit, false mustaches and what not. Now do you believe me? ये तो एक भेष बदलने के लिए ड्रेस पहन रखी है, नकली मूछें लगा रखी हैं और क्या नहीं किया है। अब मेरी बात का विश्वास हुआ? Intruder, I don't know. वो कहता है मुझे नहीं पता। Gerard, for God's sake, clear that muddle head of yours and let's go. भगवान के लिए दिमाग में जो तुम्हारे भूसा भरा है इसे निकालो और चलो यहाँ से। Come with me in the car. मेरे साथ गाड़ी में चलो। I can use you. मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। If you find it's a frame, you have got me in the car and you still have got your gun. अगर तुम्हें लगता है मैं कोई चाल चल रहा हूँ तो तुम मेरे को कार में पकड़ सकते हो और तुम्हारे पास गन भी है। Intruder, maybe you are right. शायद तुम सही कह रहे हो। Gerard, then don't waste time. Goes and picks up hat and bag. ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो, चलो यहाँ से। अपना बैग उठाया और निकलने लग गए। Intruder, careful boss, I am watching you. Intruder ने कहा, ध्यान से बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। Gerard, I have got a man posted on the main road. मेरे एक आदमी जो है वो बिल्कुल मेन रोड पे खड़ा हुआ है। He will ring up if he sees the police. और जैसे ही अगर वो पुलिस देखेगा वो फौरन बेल दे देगा। But I don't want to leave. पर मैं जाना नहीं चाहता। Telephone bell rings. तभी एकदम से घंटी बजती है फोन की। Come on, they are after us. Through here, straight to the garage. जल्दी चलो, वो हमारे पीछे हैं। यहाँ से सीधे गैरेज की तरफ। Intruder, how do I know that you are telling the truth? और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? Gerard, oh, don't be a fool. Look for yourself. बेवकूफी मत करो, अपने को देखो यहाँ से। Gerard opens the door and steps away. Gerard दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। Intruder leans forwards to inspect it. अब Intruder जो था वो भी बाहर निकल के एक बार जांचने की कोशिश करता है। With his sights towards Gerard, but with the revolver ready. और उसका जो मुंह था वो Gerard की तरफ था
और उसके हाथ में जो पिस्टल थी वो बिल्कुल तैयार थी। As he turns his head, Chiraz gave him a push into the cupboard. और जैसे क्या कहते हैं उसने अपना सिर घुमाया, चिराज ने एकदम से धक्का देके उसको कबर्ड में गिरा दिया, knocking the revolver out of his hand. और इतनी जोर से धक्का मारा कि जो उसकी रिवॉल्वर थी उसके हाथ से गिर गई। He slams the door and locked it. जल्दी से दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। Picks up the revolver and goes to the phone. एकदम से रिवॉल्वर उठाई और फोन की तरफ भागे। Where he stands with the gun pointed at the cupboard door. जहाँ पे वो खड़े हुए थे लेकिन उनकी जो गन थी वो कबर्ड की डोर की तरफ पॉइंट कर रखी थी। इंट्रूडर रैटल्स डोर्स एंड शाउट लेट मी गो आउट ऑफ हियर। हाँ, वो जो इंट्रूडर था वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिराड, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव गॉट अ स्पॉट ऑफ ब्रदर क्वाइट अम्यूजिंग। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे पास जो है सही समय पर मैं रिहर्सल के लिए प्रॉप्स लेके नहीं आ सकता, मेरे पास यहाँ पर एक ब्रदर आए हुए हैं जो थोड़े से मजाकिया हैं। आई थिंक आई विल पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले। मुझे लगता है कि मेरे को जो है उनके अगले प्ले के लिए उनको ले लेना चाहिए। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड आवर सर्जेंट द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। अच्छा तुम सुनो, हमारे जो दोस्त है सर्जेंट उनको प्लीज यहाँ बुला सकते हो। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। वो तुम्हें पक्का जो है पब्लिक बार में मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये सीन समझ में आया कि कितनी अच्छे और प्रेजेंस ऑफ माइंड से दिमाग लगाते हुए बिना डरे बिना किसी अपने आप को एकदम से शेक करते हुए ये जो जिराड थे इन्होंने कैसे झांसा दिया और जो बाहर से आदमी आया था उनको मारने उसको अपनी बुद्धि की चालाकी से पकड़ लिया। तो ये सीन समझ में आया, अच्छा लगा। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।